देखा she's crying. सब ठीक हो जाए। ये डर लग रहा था कि कहीं कहीं खुद ना बेहोश हो जाओ, मैं खुद ही जानू पहले अपने आप को कितनी मुश्किल से संभाला। पर क्या क्यों रो रहे हो? तेरे को तो खुश होना चाहिए ना, बड़े पापा जो बन गए हो। आशा मुंदर आराम कर रही हो। लेकिन फिर तुम रो क्यों रही हो? मार्ट साहब पूना में बहुत डर गई थी, आशा जी को तो जैसे तैसे हिम्मत दे रही थी। उसके बाद जब मैंने उस छोटी सी जान को अपनी गोद में उठाया ना, थारे को बता ना सकती मैंने क्या महसूस किया। छोटू सा इतना प्यारा लड़का हुआ है, एकदम सुंदर से बोला। तुम्हारा दिमाग हिला तो नहीं हुआ? तुम ऐसे खड़े होकर रो रही थी, पता तुम्हें देख के हार्ट अटैक आने वाला था मुझे। सॉरी मार साहब, मारा इरादा थारे को डराने का ना था। अब रोना बंद करो, मैं बड़ा पापा बन गया फालतू। Congratulations! हेलो, आ गया उसके पापा का फोन। खींचो। हेलो, कहाँ है तू गधे? तुझे यहाँ होना चाहिए ना, अपनी वाइफ के पास। बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। हाँ, और आयशा वो तो ठीक है ना? आयशा बिल्कुल ठीक है, और तो मैं मिला नहीं हूँ अभी ना मम्मी से ना बच्चे से। क्यों रो रहे हो? तारे को तो खुश होना चाहिए ना, बड़े पापा जो बन गए हो। आयशा कैसी है? डिलीवरी हो रही है? डिलीवरी हो चुकी है माँ, आप दादी बन चुकी हैं। Congratulations! सच? जी हाँ, बेटा हुआ है चाचू। आयाना दोनों ठीक तो है? एकदम ठीक है डॉक्टर। हाँ जी डॉक्टर, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आपने जो इतना अच्छे से किया, फालतू ये डॉक्टर है जिन्होंने आयशा जी का डिलीवरी करवाया। बल्कि मैं कहूँगी अगर आज ये ना होती तो कुछ भी हो सकता था। आपकी बड़ी बहू बड़ी ही कमाल की है, उसने इतने अच्छे से सिचुएशन हैंडल की। दीदी चलिए ना जाके बच्चा देख के आते हैं। आई एम सो एक्साइटेड, मैं बिलीव ही नहीं कर सकती कि इस उम्र में मैं छोटी दादी बन गई। हाँ और मैं दादा चाचा। अरे बड़े पापा को तो लेके चलो। तो हम लोग बहुत खुश हैं, आयशा का बेबी हुआ है। बस सब यही प्रे कर रहे हैं कि किंचुक जैसा ना निकले। है ना? Am I right or am I right? About what? कि बेबी किंचुक जैसा ना निकले। No comments. So that's all which is happening in the hospital. Niharika, I really want to know in the details what all she was. So फालतू बहुत हैप्पी है कि फाइनली वो काम आ पाई आयशा जी के। वो घर में सबको ही बहुत प्यार करती है, सबसे सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती है और उसके इंटेंशन सबके लिए हमेशा अच्छे ही होते हैं। वो सिर्फ मित्तल परिवार की हेल्प करना चाहती है एक अच्छी बहू की तरह। तो फालतू आज वो कर पाई है एंड इसी होप में है कि फैमिली वाले फाइनली मान जाएं। मैं खुद बहुत खुश हूँ। ये जो सीन है ये किसी की भी लाइफ में ऐसा मोमेंट होता है जो आप बहुत खुश होते हो, लाइफ में आपकी फैमिली में एक नया इंसान एक नया मेंबर आ रहा है एंड इट्स अ ह्यूज मोमेंट। और मैं इट बिकेम वेरी ऑर्गेनिकली आई फील, तो बड़ा खुश हो गया। और इमेजिन करके किंचुक का फेस एक बेबी पे मुझे हंसी आई गई, तो वो खुशी दिख गई इस सीन में। तो फालतू खुद बहुत डर गई थी, पहली बार ऑपरेशन थिएटर में आई थी और सब कुछ ऐसा देख रही थी तो खुद भी घबराई हुई थी, पर आयशा को मॉरल सपोर्ट देने की कोशिश कर रही थी। ऐसा मोमेंट टचवुड भगवान करे जल्दी हो मेरी फैमिली में भी, और मैं तो पागल हो जाऊंगा खुशी से। तो दिस वाज जस्ट अ ट्रेलर, जो एक्चुअल खुशी है वो बहुत ज़्यादा होती है। और मैं वैसे ही बड़ा इमोशनल हूँ और हम सब इन बातों को लेकर तो इमोशनल होते ही हैं। तो इट्स अ वेरी गुड सीन और अच्छा लगा फॉर अ चेंज, रोने की जगह हंस के। सो मुझे याद आ रहा है कि जब मेरा भाई होने वाला था, वो सो एक्साइटेड, मैं कब से प्लान करी थी। मैंने उसके सब कपड़े, जो कि मैं भी बहुत छोटी थी बट आई स्टिल रिमेंबर, मुझे कोई उसको गोदी में नहीं उठाने देता था बिकॉज मैं, बट जब मैंने उसको पहली बार टच किया था मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मेरा भाई आ गया फाइनली। तो आज मुझे वैसी फील आई क्योंकि एक रियल बच्चा भी आया था जिसके साथ मैंने सीन किया एंड ही वॉज वेरी वेरी क्यूट एंड गुई, तो मुझे बहुत मजा।